मैं हो गया हूँ तैयार और शिप्रा भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब हम जा रहे हैं बाइक राइड पे। शिप्रा ने एक जगह टेबल बुक किया था और मैं गया सो, और मैं गया सो तो मैं गया ख्यालों में खो। और उसके बाद मुझे बहुत पड़ी, खाने को मिली दाल रोटी, साला स्टार्टर भी नहीं था। ये सब गड़बड़ हुआ मेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। तो जहाँ टेबल बुक किया है, कहा कि आपने थलासा थलासा में, वहाँ पे पहुंचते हैं, देखते हैं, मिलता है तो मिलता है, ठीक है, नहीं तो फिर बीच पे बैठेंगे, पूरा सनसेट गोवा देखेंगे। अपना इसका है, कहीं भी घूम लेंगे। मेरा नहीं है हमारा भाई। है, हम टूरिस्ट हैं, बिल्कुल कहीं भी जा सकते हैं, हाँ, कोई रोक टोक नहीं है। ये अच्छा है, टूरिस्ट कहीं भी जा सकता है। वो फिलहाल मौसम मुझे ऐसा लग रहा है कि बरसेगा, बट यार मत बरसो भाई, बहुत बरस लियो। अब हो गया, अभी बारिश से मैं दुखी हो गया, बहुत बहुत दुखी हो गया हूँ। और बहुत बड़े बड़े ग्रुप आ गए, अब हमारे होटल में भी उतनी शांति नहीं रही है, एकदम जिसे कहते हैं भीड़ भाड़ हो गई है। तो फटाफट से निकलते हैं, तैयार हो ना आप? बस ठीक है, ये 2 मिनट 2 मिनट करके इसने मैगी नूडल पता नहीं कम से कम 50-60 मैगी नूडल बना दिए। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। और मेरे तमाम दोस्तों के लिए एक सवाल, यार ये बता नहीं ये हैट कैसा लग रहा है? कुछ कुछ फीलिंग आ रही है, वो जो सीरियल आता था मार्शल वैसी वाली, और कुछ कुछ फीलिंग आ रही है वैसी, वो जो मैक्सिकन था ना पाब्लो एस्कोबार, उसके मैं गैंग का मेंबर लग रहा हूँ। मुझे ऐसे ना वो मैक्सिकन वाली मूछें रखने की आवश्यकता। आप लोग बताना जरूर कमेंट करके कि ये हैट कैसा लग रहा है। मुझे पता है कई शरारती दोस्त हैं मेरे, वो सोच रहे होंगे अंदाज अपना अपना का सीन कि बंदर के सर पे तरबूज, लेकिन वो सब नहीं लिखना है दोस्तों, सही सही बताना, ईमानदारी से बताना। चलो भाई फटाफट ना अपना स्कूटर ढूंढ लें, ये रहा, इसमें अभी भी रेत लगी हुई है। यार क्या, यार ये रेत का क्या चक्कर है ये? और ये मेरी ना रेत में नहाऊंगा, और दूसरा ना चाबी अटक जाती है। ये खुल गया, और ये खुल गई इसकी डिक्की। इसकी डिक्की मैं इसलिए खोलता हूँ ताकि इसमें से निकाल सकूँ हेलमेट, हेलमेट, रेनकोट, हाँ रेनकोट डाल सकूँ, और रेनकोट से ज़्यादा ज़रूरी ये हैट डाल सकूँ जहाँ ज़रूरत होगी। हटाओ इसको, हटाओ ज़रा फटाफट। यस, चलने के लिए दोनों बंधु, हम दोनों बहुत हैं तैयार, अब फटाफट निकलते हैं क्योंकि बारिश की घटाएं बन रही हैं। क्या हाँ, लगता है रोज आपको शाम को हमें बोलते, निकल? लेकिन आज इंद्रदेवता मेहरबान रहने वाले हैं हम पे। हाँ ईमेल तो डाला है, ईमेल पता नहीं डाल स्पैम में ना देते। चला गया उनके। नहीं, ना जाएगा। चलते हैं। समुद्र के साथ जब आप चलते जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस भी बहते ही जा रहे हैं। जीवन में इससे अच्छा क्या होगा? आप मूवमेंट में हैं, यानी कि गतिमान हैं, साथ में समुद्र है, इमोशंस आपके साथ हैं, और तो और जिन्हें आप प्रेम करते हैं वो भी आपके साथ है। वाटर बॉडीज है एक तरफ, अलग ही रास्ता भी दिखा दे भाई, रास्ता कैसा सीधा सीधा है। अच्छा वो रास्ता थोड़ा सा टूटा फूटा है, ऊपर खाते है, बट वो बरसात की वजह से। हाँ। ये सामने कुछ आ गया है जहाँ पे थलासा बोट नजर आ रहा है, आता आता आधा आधा नजर आ रहा है। हाँ वो रहा, देखो पूरा पूरा आना चाहिए। The other. Yes, here we come. थलासा। फाइनली हम पहुंच गए। इंद्रदेवता ने अभी तक तो हमारी सुन रखी है, बारिश नहीं हुई है, बिना भीगे हुए हम पहली बार कोई जगह पहुंचे हैं।
तो थलासा का जो जादू है ना, मैंने सुना है कि वो रात को शुरू होता है, यानी कि 8-8:30 बजे जब सूरज पूरी तरह से डूब चुका होता है, उसके बाद इस जगह की रौनक ही कुछ और होती है। हमें टेबल तो मिला है, लेकिन क्या हम तब तक रुकेंगे? तो थलासा वालों ने अपना ये स्टैंप मार दिया है, मेरे भी हाथ में लग गया है ये द थलासा स्टैंप। एक बार आप यहाँ आ गए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक तो सी व्यू है ये। अभी थोड़ा सा बंद है, हमें जो टेबल है वो पीछे वाला मिला है, क्योंकि 9 बजे तक हमारे पास समय, तो हो सकता है टेबल हमको और अच्छा मिल जाए, जगह मिल जाए बढ़िया सी। प्रॉपर गोवा वाइब आ रही है आपको? नहीं आ रही है? यहाँ आ रही है। ओके, मुझे ऐसा लगता है मेरा हैट देख के किसी भी बंदे ने हैट टी पहनी, सब देख रहे थे। एक बंदे ने नीचे रखी हुई थी मेरी हैट देखते ही। तो दोस्तों, सवाल का जवाब मुझे मिल गया कि हैट बड़ी ही अच्छी लग रही है, जानदार लग रही है, जानदार और बोले तो शानदार। दुनिया में नज़ारे तो बहुत हैं, लेकिन इससे अच्छा क्या होगा कि दिन डूब रहा है और आप समुद्र के किनारे बैठे हैं। वो मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना है ना गाइड फिल्म का, दिन ढल जाए हाय रात न जाए तू तो ना आए यार सरकार। चलते हैं शिप्रा के पास, शिप्रा लगी हुई ऑर्डर देने में। कुछ फाइंड आउट किया आपने? मेरे फिश एंड चिप्स ले लो यार, एंड कुछ अच्छा ड्रिंक 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 यहाँ चीजें तो बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग है, लेकिन बात दरअसल ये हुई कि मैं होटल से लंच करके निकला था, और लंच करके निकला था तो फिर इतनी सारी चीज़ों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं महसूस हुई। इस बीच शिप्रा अपना ऑर्डर दे रहा है। और ये आ गए अपने ड्रिंक, ये है बम्बल बी, इस नाम से मैंने फिल्म देखी थी, आज पीऊंगा कुछ। तो ये पर्पल हेज, ठीक है, मुझे तो दोनों ही काला खट्टा नजर आ रहे हैं। ये मेरा हो गया बम्बल बी, मैं भी बम्बल बी ऐसे ही लग रहा हूँ। हाँ, देखते देखते ना यहाँ भीड़ जो है वो बढ़ गई है, और ऐसा नहीं है कि वो क्राउड है, वो सिर्फ यंग क्राउड है, हर तरह का क्राउड है। अंकल जी वगैरह भी हैं, दादा दादी टाइप लोग भी हैं, बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, मुझे कुत्ते भी नज़र आ रहे हैं, और नॉर्थ गोवा में अभी तक जितनी जगह मैंने देखी हैं उसमें आई थिंक मेरे रडार में सबसे ज़्यादा हैपनिंग जगह अभी मुझे ये लगी है। मैंने क्लबिंग वगैरह तो की नहीं, क्लब में मैं गया नहीं, और मैंने वो कैंसिल कर दिया अपना क्रूज, क्योंकि बहुत ज़्यादा थी। तो मैसेज सारे घर वालों के लिए, देखो आनंद बहुत आ रहा है मुझको, और शिप्रा को भी बहुत आनंद आ रहा है। ऊपर वाला ना थोड़े पैसे अच्छे खासे दे, मन कर रहा है कि यहाँ ना पूरा परिवार बैठा हो। सही में सच बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब जितनी अच्छी जगह पहुँच रहे हैं ना, जितनी अच्छी जगह जा रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही कि फैमिली का हमारा हर एक बंदा ना यहाँ आए, खाए, मस्ती करे, खुश रहे, मतलब यही फीलिंग आ रही है मुझे। एक एक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति ऐसा लग रहा है यहीं पे बुआ भी बैठी हो, पापा भी बैठे हो, चाचा भी हो, बच्चे भी हो सारे, और आनंद ही आ जाएगा, अनुभव मतलब ऐसा है, बस ऊपर वाला पैसे दे दे। इस बीच हमने फैसला किया कि हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रात होने में भी काफी वक्त था, और धड़ाधड़ फोटो हमने कुछ खींचे, और इस बीच एक जानकारी और मिली कि हमारे परिवार के एक सदस्य यही। तो चलते चलते मैं जा रहा था और मुझे वाटर बॉडीज दिखी, मैंने इधर रोक लिया, इधर से अद्भुत नजारा दिख रहा था, मैंने कहा भाई क्यों ना शेयर किया जाए आप लोगों के साथ भी, ये अच्छा है ना। बहुत
तो पराए शहर में अगर खबर मिले ना कि कोई अपना है तो दिल मानता नहीं है और आप उससे मिलने के लिए आतुर हो उठते हैं। कुछ ऐसा ही हमने फील किया जब हमें पता चला कि हमारे घर के एक सदस्य यही मौजूद है, यानी कि गोवा। एक चीज मैंने बड़ी कमाल की नोटिस की है, वो ये नोटिस की है कि वैसे तो दुनिया भर में शोर मचा हुआ है ईवी स्कूटर का, ईवी गाड़ी का, जहाँ सबसे ज्यादा स्कूटर की एक तरह से रेंटेड खपत है, यहाँ ईवी स्कूटर यानी कि गोवा में ईवी स्कूटर जो है वो बेहद नाम मात्र है। ना ही मुझे कोई ज्यादा नॉर्थ गोवा की बात कर रहा हूँ चार्जिंग पॉइंट नजर आए और ना ही लोग मुझे ज्यादा नजर आए, दो चार इक्का दुक्का ईवी स्कूटर दिखे वही रेंट पे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि सिस्टमैटिक अप्रोच जो होनी चाहिए थी ईवीज के लिए वो अभी तक नहीं है, वो जो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होना चाहिए था वो अभी नहीं है, जो ईवी स्कूटर्स में पावर होनी चाहिए थी वो भी अभी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हिली रीजन आता है, ईवी स्कूटर वो पावर जनरेट नहीं कर पाते, तो ईवी सोच समझ के ले यहाँ। यार कुछ भी बोलो, रास्ते जो है ना वो बहुत ही बढ़िया हैं, डिस्पाइट बीइंग बरसात है उसके बावजूद ये देखो यार एक कमाल का ब्रिज आ गया है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा लोकेशन मुझे लग रहा है। अगर आप पैन करके दिखाओ लेफ्ट टू राइट से तो इस तरफ को तो पता चलेगा। तो कम से कम 574 किलोमीटर दिख रहा है ना आपको, 70 किलोमीटर तो मैं ही चला चुका हूँ नॉर्थ नॉर्थ गोवा के अंदर। और देखो ये अंधेरा हो गया बिल्कुल, और ये कलर जो है ना ये दिखाने के लिए मैंने यहाँ स्कूटर रोक दिया है। और ये मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मैंने मिलके एक फिल्म की कहानी सोची थी, वो जो दोस्त है नाम नहीं बताऊँगा, अगर मेरा दोस्त वो देखेगा तो उसका दिल खुश हो जाएगा कि एक हॉरर फिल्म लिखी थी। बिल्कुल वैसी ही लोकेशन है यार ये, हालांकि सेक्टर भी वही है, पर ये जो कलर है ना और ये जो है मतलब एकदम लोकल फ्लेवर, तुमको कैसा लग रहा है? हॉरर लग रहा है। थोड़ी देर रुक जाओ यार ब्रिज ब्रिज पे, चलो चुका चले चलो चलते हैं यार। ये ऐसा लगा था मुझे रास्ता हो गया ख़त्म, लेकिन रास्ता ख़त्म नहीं हुआ, इसके नीचे जाके भी पड़ता है एक होटल, यहाँ या तो सिर्फ पैदल आदमी जाता है, सांप बिच्छू जाता है या स्कूटर जाता है, जो कि हमारे पास है। देखें ये कहाँ, एक अलग ही फील आ रही है। देखें जी कहाँ रुके हैं हमारे, हंड्रेड मीटर ना जस्ट, कोई बात नहीं क्या होगा, तजुर्बा हो रहा है ये, बस अलग ही है। और ये सामने आ गया होटल, ये शाबाश ये आ गए। चलो ढूंढे कौन भाई साहब यहाँ रुके हैं उनके बारे में।
छपरा कर रही है फोन। हाँ? और अब देखते हैं किधर है हमारे ये फैमिली के मेंबर। भैया बड़ा ही खतरनाक होटल है इनका, बड़ा ही खतरनाक रास्तों से होके आए। आपको कैसे लगा रास्ता, जल्दी बता दो। मुझे बहुत खतरनाक लगा और मैं यहाँ नहीं आऊंगी वापस। इस टाइम पे तो वैसे नहीं हूं, मैं बहुत डर रही हूं। मेरे को लेकिन अच्छा लगा, मुझे एडवेंचर हुआ। मुझे अकेला भी भेज दो, मैं अकेला भी रह जाऊंगा। नहीं, मुझे आपके साथ ठीक है, आप थे तो एडवेंचर था, बट अदरवाइज कुछ ज्यादा ही एडवेंचर हो जाता। अलग ही लेवल था। ये लड़की जो है ना, इसको पता नहीं, नहीं तो मैं सच्ची बताऊँ ना, हमारी जो प्रॉपर्टी है ना उससे ज़्यादा बढ़िया प्रॉपर्टी है। अंधेरा हो गया, नहीं तो मैं आपको दिखा। अभी तो मैं बोल रहा हूँ अच्छी है, तो तुम नहीं, बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे को रास्ते की वजह से, वो अगर आपको यहाँ आना है तो रुकना है। तू तो डरपोक है। और ये बीच की आवाज़ आ रही है, बीच से लगी हुई प्रॉपर्टी है। डिस्क्रिप्शन में डालूंगा इसकी डिटेल में, और अगर आपको किसी को भी बुकिंग करानी, ओए होए क्या बात है यार, क्या लॉन्ग, ये देखो क्या लॉन है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं रात को आया हूँ, मैं इधर दिन में क्यों नहीं आया। खैर, इन्फॉर्मेशन भी मुझे बाद में मिली कि हमारे जो प्रिय भाई साहब हैं वो इधर रुके हुए हैं। सो ये देखो, ये ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है भाई। मुझको पहले पता होता तो मैं तो यहीं रुकता, लेकिन जो लोग अभी भी प्लान कर रहे हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा और डाल दूंगा कि आपको बुकिंग कैसे करानी है। आपको जहां से भी आप ले आओ उनसे सस्ता नहीं दे पाएगा कोई, ये मैं वादा करता हूं आपको। तो ठीक है, तो मिलते हैं उनसे, सज्जन से। और क्या यार, यहां तो बीच की आवाज आ रही है बॉस, पूरा बीच। अभी रात को थोड़ी दिखेगा ऐसे, हमें बीच जाने के लिए करना पड़ रहा है एफर्ट। ये होटल थोड़ा बाकी बीचों से मुझे लगता है थोड़ा सा दूर होगा, लेकिन जो बीच के पीछे से धड़धड़ाती आवाज़ मुझे आ रही है ना, इसका मतलब है बीच बिल्कुल यहाँ पे है। होटल रिजेंटा है इसका नाम, तो इंटरेस्टिंग है। पहले तो देखें हमारे भाई साहब कहाँ हैं। भैया हूँ जिनके लिए हम इतनी लंबी यात्रा करके आए, पहाड़ वहाड़ से चल चढ़ा के एकदम, जिसको रास्ता नहीं पता नेविगेशन के सहारे, और अब यहाँ आ गए हैं तो वापस भी चले जाएंगे अपने होटल जैसे तैसे। बिल्कुल इसके यहाँ से बाहर है बीच। मैं तो ये सोच रहा हूँ, अफसोस कर रहा हूँ इनफैक्ट इस बात का कि मैं, ये अंधेरा हो गया है और मुझे यहाँ तक आवाज़ आ रही है कि मैं आपको ये दिखा नहीं पा रहा हूँ। अदरवाइज ये प्रॉपर्टी है और ये है इसके बाहर एकदम बीच। कौन सा बीच है उसकी ना मैं फ़ोटो खींच के डाल दूंगा, अभी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं फ़ोटो डाल दूंगा तो आप समझ जाओगे कौन सा बीच है, क्या है। मुझे लगता है एक ही शॉट रह गया था लेने के लिए गोवा में, वो होता नारियल के पेड़ का। वो मैं ले रहा हूँ अभी। और हमने दूर से पकड़ लिया है हमारे प्रिय सर्वप्रिय चाचा को। तो चाचा आए, मैंने देख लिया दूर से, चाचा जा रहे सीढ़ी चढ़ के फटाफट फटाफट फटाफट। देखो अब अपन कैसे चलते हैं वापस ऊपर को। यस, हम लोग नीचे वॉशरूम। अब तो कुछ अच्छा होटल है नहीं, होटल तो अच्छा है लेकिन 100% अप्रोच ये आ गए पकड़ में हमारे चाचा। हमें वो विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि ये भी हैं गोवा में। खैर, हमारा तो इंतजाम इन्होंने किया। आपको अगर कुछ भी चाहिए ना, मैं लिंक नीचे शेयर करूंगा, आप उस पर जाके या ईमेल करके इनसे पूछ सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ हमारे होटल से ज्यादा अच्छा होटल है भैया इनका। सामने पीछे बहुत पास है, तुम बहुत पास है। रास्ता ये है, हाँ ये है कि रोशनी है तो मतलब आराम से। अरे ये डरपोक है, रोशनी है, रोशनी है, आराम से, एडवेंचरस रास्ता था। ये जो रिजॉर्ट है, यानी कि ये रिजॉर्ट जो है वो है बिल्कुल मैंडरिन बीच पर, बिल्कुल मैंडरिन बीच पर। क्या बता रहे थे आप इसके बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कुछ। बिल्कुल बीच के बिल्कुल पास है और बारी बीच है, रास्ता भी इसके बीच के अंदर से ही निकलता है, होटल के अंदर से ही निकलता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है आपका।
इसको अगर बुक करना है तो आपके थ्रू कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे को कॉन्टैक्ट नंबर इस पे लिंक में। आप कंपनी का नाम क्या है? एवरेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैं उसमें पोस्ट कर दूंगा नीचे। 9810873360। क्या बात है, कॉन्टैक्ट भी हो गया। आप तो सीधा आप कॉन्टैक्ट करो और मुझे लगता है बहुत मेरे होटल से अच्छा। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे होटल से बहुत अच्छा। चले ओके ओके बाय बाय। भैया आप पहुंच गए हम होटल, और नहीं भी तो तकरीबन ना 50 से 65 किलोमीटर मैंने स्कूटर चलाया आज आज ही आज में एक ही दिन में। ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा चला दिया है, 100 से ऊपर चला दिया। नॉर्थ गोवा मतलब जिसे कहते हैं पूरा एक्सप्लोर कर डाला है, छान डाला है हमने। और साउथ गोवा की तरफ हमने देखा भी नहीं, ये बचा के रखा है कि भाई नेक्स्ट बारी में साउथ गोवा हम जाएंगे। तो अब है वक्त भोजन का, और उसके बाद आएगी एक बहुत ही अच्छी नींद, क्योंकि मैं तो भाई थक गया हूँ। जो आदमी बैठा होता ना वो मजे में होता है, यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो। से भी पूछो, मैं आपको नेविगेट करूं, बट फिलन से भी पूछो। बट स्टिल फिलन इज नॉट अ ड्राइवर। हाँ, आपको ज्यादा वो भैया नेविगेशन है, सामने से जो लाइट पड़ रही है आपके उसमें आंखों में वो है, बहुत सी चीजें हैं। फिलहाल मैं कहूँगा गोवन फिश करी और बाकी जो भी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ इस ब्लॉग में इतना ही। कल हमारी वापसी है, और उसके बाद हम अपने जैसे बाकी काम काज है बैक टू रूटीन हो जाएंगे। वेकेशन मोड अब खत्म होने वाला है, वर्क मोड शुरू हो जाएगा, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, देखते रहिए इस ब्लॉग को, तुषार उप्रीति ब्लॉग को। सिर्फ तुषार उप्रीति व्लॉग अब नाम तो है चैनल का, लेकिन है तो उसमें शिप्रा उप्रीति भी, तो इसलिए हम दोनों के लिए सब्सक्राइब करें इसे, शेयर और लाइक वो आपके ऊपर है। आप करना चाहें तो बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आता है जब आप लोगों से ऐसे सीधे सीधे बात होती है। तो फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही। धन्यवाद। तो सुबह सुबह अगर ब्रेकफास्ट मिल जाए ना अच्छा, तो पूरे दिन की हो जाती है आपकी छुट्टी, फिर आप घूम सकते हो आराम से। गोवन करी वगैरह यही इतनी अच्छी खिलाते हैं, किसी को घूमने की जरूरत नहीं पड़ रही कि ऑथेंटिक गोवन करी, उनका ही खाना बहुत अच्छा है। सो आई एम हियर फॉर ब्रेकफास्ट, जिसमें कि डोसाज हैं, पराठाज हैं, पाव भाजी है, इसके अलावा क्रोइसेंट है, इडली है, जूसेस हैं, बट मैं चाय पीता हूँ ज़्यादा, मैं चाय में बिलीव करता हूँ, और एग्स मैंने ऑर्डर किए, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी थोड़ी चीज़ें खानी चाहिए। क्या हम सब तो होते हैं टूरिस्ट, लेकिन उसके लिए होटल स्टाफ कितनी मेहनत करता है। ये लड़के लड़कियाँ जो अपना अपना शहर छोड़ के आए हैं, ये लगे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा सर्विंग में और इसमें एक देबू है, अब देबू उस तरफ को खड़े हैं, वो छोटे से जो हैं वो हैं, बहुत ही कमाल काम करते हैं। ऐसे बाकी जो लड़के हैं जिनके नाम हम नहीं जान पाए, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरी हमेशा जो गुजारिश रहती है सब लोगों से, वो रहती है कि जब भी आप ऐसे होटल में जाएं, आप ज़रूर कोई एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं, सब कुछ फुलफ़िल नहीं होता है, लेकिन 90% जहाँ तक मुझे लगता है फुलफ़िल होता है। तमाम लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा हम्बल होके पेश आए, क्योंकि माना ये उनका काम है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाना जानते हैं। बहुत लोगों को मैनेज करना पड़ता है, वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, वेरी डिफ़िकल्ट। तो आप जितना हम्बल होंगे ना, उतना प्रेम से आप खाएंगे भी, आपको खिलाया भी जाएगा, और जब आप जाते हैं ना तो आपकी खुशबू जो है वो छूट जाती है। तो मेरी गुजारिश है इसको याद रखिए। तो ये है योगेश, ये इनको मैंने देबू कहा है, और देबू भी जो है वो भी बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है। इनके साथ तो योगेश भाई बहुत मेहनती लड़के हैं, बहुत मेहनती लड़के, इन्होंने कंफर्टेबल बहुत प्यार से खिलाया है, हर चीज है, हमें बैठ बैठ के खिलाया है, बहुत ही मजा है, हमारे खाने की टेंशन नहीं। थैंक यू योगेश है इनका नाम, मैंने अपने तो यात्रा कितनी भी लंबी हो उसका होता है अंत। तो ये दृश्य जो है ये है वापस हमारे
गोवा के एयरपोर्ट जाते हुए। तो जाने से पहले गोवा ने एक आखिरी इम्प्रेशन छोड़ा है मेरे मन में, एयरपोर्ट ने खास तौर से। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि क्या कोई ऐसा एयरपोर्ट होगा जो पटना एयरपोर्ट को खराब हालत में, खस्ता हालत में टक्कर देगा, क्या कभी ऐसा होगा। और फिर मैं आया गोवा एयरपोर्ट में। जितना अच्छा गोवा है उतना ही रद्दी एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं और बस अड्डे जैसा हाल है बिल्कुल। मुझे तो डर लग रहा है मैंने गलती से मास्क उतार दिया था भैया, मास्क वास्क पहन लेता हूँ मैं, और बिल्कुल बस अड्डे वाला हाल है। तो यार नॉट डन, नॉट डन। Thank you.